चलो चलो यार, कितने बार बना के सुबह के बज चुके हैं 8 बजे 7:30 ओए छुटकी चल ले। और भाई क्या हाल है, कैसा है? चलो चलो जा, कहाँ है? पागल लेके ऊपर मजाक कर रहा हूँ, ऊपर चलते हैं। अभी गांव जाना है यार, ऊपर क्या करना है? बच्चा यार रुको, एक बार वीडियो बंद करना। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? ओए बोल ही नहीं रही है तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? 1.5 लाख रुपए का फोन लेके गाड़ी चला रहे हम आए अपने पुराने गांव में डांड में और अब जा रहे। अरे यार माइक, और ये हैप्पी भैया, ओ हैप्पी भैया इधर देखना जरा, हैप्पी शर्माता है यार ब्लॉगिंग में, लड़कियों को देखने में शर्माता बस। ड्राइवर ड्राइवर कह रहा मैं आपके लिए देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा उतार दो से उठा था। और उतार दे छोड़, हम नहीं उठा सकते क्या? वीडियो में नहीं दिखे, वो ही माला जी मेरे नाने के सामने 4 बजे दिखता है ना हमारे घर से, कितना अच्छा दिख रहा है फोटो डाल दे ना, दे तो स्टेटस में। हां डालती है, हमारे घर से दिखता है वो लसी, वो पथोड़े के सामने से नहीं पथो, हां वहां भी हम निकल पड़े आगे को, वो जो हमारे घर से दिखता अच्छा दिखता है यार, वहां से तो मस्त वाली फोटो बहुत वायरल हुई मेरी, वायरल हो गई तब से मैं फेमस हो गई, स्टेटस में लगाया लोगों ने चुरा चुरा करके, तब से मैं फेमस हो गई। हैप्पी आई बोल तो ये उसी का दोस्त है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, बैंगन वाला। किसकी वीडियो वायरल हुई थी? एंग वाला। अब जिस फोन से वीडियो बन रही है वो फोन मेरा होने वाला है जल्दी, वो है आईफोन, कुछ घंटों बाद आईफोन 15। 10 रुपए लेके निकली थी और 2 रुपए लेके जा रही है, कैसा लग रहा है? इसे कहते हैं असली फायदा, शब्द नहीं है बोलने के लिए फिलहाल, ये है असली फायदा लिफ्ट लेके जाने में। इसकी भी बना दे यार साक्षी। किसकी? ड्राइवर वो फ्रंट कैमरा कर, ऐसे चलाते हैं देखो गाड़ी, जिसको सीखनी है वो जल्दी सीख सकता है। इतने प्यार से बोलेगी तो जनता कैसे सुनेगी? प्यार से ही सुनेगी आजकल दुनिया प्यार की सुनती है, वही तो मेरी आवाज है ही ऐसी। चल यहाँ से पैदल चले आप, वो पागल है क्या? रिएक्शन देखते यार गाइस, फिर वो ऐसे रास्ते पे भी लेगी जहाँ पे फ्रंट कैमरा कुछ ज्यादा दिख रहा है। अरे तो उस दिन का बदला तो नहीं ले रहा जब फील्ड में मिला था कि हाँ चलो पैदल, पहली बार हो रहा है गांव में ट्रैफिक पहली बार दिखने को मिल रहा है। पूजा में आ रहे हैं ना लोग ज्यादातर, ट्रैफिक दिख रहा है, पीछे को आएगी नहीं कुछ नहीं, ड्राइवर का ट्रैफिक लग गया, ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आ। सुन ये वही ट्रक है,
जिससे दिमाग खराब मत कर मेरा यार भाई। दीदी सच में उनकी थपलियाल की है। कौन थपलियाल? सानू की। अब खा रहे हम, क्या खा रहे हैं? हैप्पी चिकन, चिकन चिकन खा रहे हैं हम। दो कमरे और बरामदा अच्छी चल रही है। कि मैंने ले रखा है यार, मतलब इन्हें छोड़ नहीं जा रहा तो इन्हें बगल में तो एक बार निकल लो ऐसा क्यों। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आ चुके हैं यहाँ की पहाड़ों की सुंदर वादियों में। एक ही है अपना घर और वहाँ चुलगढ़ है जहाँ पे हमारे पूजा ही है आज पूरा। और आपको एक व्यू दिखा देते हैं क्या चल रहा है अभी दिन के 12 बज गए हैं। देखिए क्या क्या चल रहा है गांव में। नीचे दिखाओ जरा लोग क्या कर रहे हैं हमारे गांव में। मेरे पापा और जगह जगह से मेहमान आ रहे थे। यहाँ से हिमालय भी दिख रहा था अभी थोड़ी आगे से, हिमालय पर्वत। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे अपने गांव को। और ये नैनी डांडा की साइड क्या गिरा दिया तूने नीचे? इसने गिरा दिया हैप्पी ने। गलती से गिर गया। यहाँ पे गोलू भैया क्या? और अभी हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में अपने गांव की साइड, मेन गांव जो हमारा है। जो कि नीचे डांड में है, अदौड़ा में। अदौड़ा जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद हम। आइए ले चलते हैं आपको थोड़ा ऊपर, ऊपर से दिखाते हैं आपको दृश्य वाली छत से। देखिए लोगों का तांता लगा हुआ है चारों तरफ। इस पूजा के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं भाई। ये देखिए पूरा जूम करके हम फायदा उठा रहे हैं। हमें खाना बना है ये सारे कुटियाल रावत। आओ और ऊपर चलते हैं। ये देखिए लो हैप्पी दिखाओ चीज जरा चारों तरफ। ओए कैमरे के आगे क्यों हाथ रखता है तू? देख सकते हैं आप चारों तरफ कितना अच्छा व्यू आ रहा है। घूम रहे हैं हम। 12 बजे भी ऐसा लग रहा है। 12 बजे वैसे दिल्ली में जब मैं होता हूँ ना तो अक्सर मैं सो के उठता हूँ। और इस टाइम पे आधा दिन निकल चुका है यहाँ पे पहाड़ों में। 6 बजे सुबह। और वो उधर की साइड को पूरा खुला हुआ है हमारा। इधर की साइड को अभी वो दिख रहे थे हिमालय पर्वत। और ये पूरा व्यू चारों तरफ का दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा यहाँ से भी दिख रहा है। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं हमारा कैमरामैन हैप्पी अमन रावत। ये साक्षी औरों का घर है, वो संजय औरों का। और ये है घर हमारी दूसरी संजय औरों की बहन का पूनम औरों का, ये वाला। और ये हमारा इसमें हमारे पास गाय बकरियाँ सब है। कहाँ गई गाय बकरियाँ हमारी? गई। अभी हम बाइक लेके ना गांव को निकलेंगे तो हम इस रास्ते से होते हुए हमारे पास पैशन प्रो है मामा की। मामा मेरी गाड़ी लेके चले गए तो अब हम पैशन प्रो ग्रुप खड़ी हुई जो उससे लेके जाएंगे अब। तो आने वाला बहुत मजा, एक्साइटेड है। दिखाएंगे आपको पूरा रास्ता अपने गाँव का। चलो जल्दी चलते हैं, वहाँ पे अलग पार्टी चल रही होगी। अभी चलते हैं गांव का माहौल देख के। चलो गाइस आज तुम्हारे को दिखाते हैं अपने गांव का व्यू। ये मामा की बाइक लेके आए हम। बड़ी खटारा बाइक है मगर ठीक है, जाने में तो मजा आएगा। देखिए वो मंदिर है हमारे गांव का, मेन गांव हमारा है, वहाँ ले जा रहे हैं हम आपको।
तो बने रहिएगा हमारे साथ। टाइम क्या हो गया हैप्पी? चलो चलो चलो, ये हमारे डोलिया खाल पे जाएंगे पहले हम, डोलिया खाल के बाद फिर हम आगे जाएंगे, हमारे गांव का रास्ता कट जाएगा। वो मेन गांव है हमारा जो वो पुराना है, मम्मी का घर, नानी का घर, ये हमारे मामा का था, इन्होंने रोड के पास बना दिया है मकान अभी, तो ज़्यादातर लोग यहीं पर ही आए हैं क्योंकि वहाँ पे है ना, तो आज सारे यहीं कौन सी जगह पे है वो पुजई, कौन से चुरगढ़ में है ना, हाँ तो चुरगढ़ जाना है अभी सबको, इसलिए सब गांव से, सारे गांव से सब ऊपर रोडों के पास आ गए हैं, अब धीरे धीरे करके सब जाएंगे उधर को। ठीक है, देखिए कितना प्यारा हिमालय का व्यू आएगा अभी एक जगह पे। हैप्पी यूं कर दियो उसे 0.5 में। बड़ी प्यारी ये ठंडी हवा, शुद्ध हवा, बिल्कुल साफ सुथरी, मेरे से तो सहन नहीं हो रही है, हवा इतनी साफ है। हॉर्न भी खराब है इस बाइक का, ये हमारे मामा श्री की बाइक है जो ये कभी चलाते ही नहीं। और पहाड़ों का एक फायदा है कि तुम्हारी ना बाइक अपने आप चलती रहेगी बिना स्टार्ट करे भी, जैसे कि ये चल रही है, अगर तुम इसे बंद भी कर दोगे तो भी चलती रहेगी अपने आप, है ना हैप्पी, ये अपने आप चल रही है, मगर इसे बंद कर दूंगा तो ये पूरी बंद हो जाएगी। मेरे मामा औरों को पता ही नहीं है कि मैं गांव आ रहा हूँ, मम्मी और मामा गाड़ी से निकल गए, हमारे को कह रहे थे तुम यहीं पर ही रहो, तुम कल आना, आज मत आओ। मेरे मामा ना बाइक निकाल रहे ना गाड़ी निकाल रहे, तो हम चुपचाप से बाइक की चाबी मामी से मांग के यहाँ लिया है। ये देखिए सब धूप से इधर अरे तूने किसको बोल दिया था कल, बंद कर दिया वीडियो। अब हम कट चुके हैं यहाँ से गांव के लिए, ये कौन सी जगह थी पीछे हमारे, डोलिया खाल थी ना, डोलिया खाल से हम कट गए हैं इधर को गांव के लिए, ये अभी कच्ची सड़क है बिल्कुल, तो अभी थोड़े टाइम बाद ये पक्की हो जाएगी, और मतलब बहुत टाइम से काम चल ही रहा है, ये पता नहीं गवर्नमेंट कैसी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रोड तो पहुँचा दी मगर कच्ची रोडे पहुँचाई है, पता नहीं क्या ही होगा यहाँ का। और देखिए बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और गांव पे भीड़ होने लग गई पूजा की वजह से, इस टाइम पे इतनी भीड़ है क्या ही बताऊँ, सब खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ तुम रात को आए, कल रात को अगर जल्दी आ जाते ना तो दिक्कत हो जाती, जाम में फंस जाते हैं बाइक ना वो, मगर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी इसमें माइक की वजह से, हमारा माइक बड़ा मस्त है भाई, बहुत अच्छा माइक है, अगर आपको माइक का वो चाहिए ना तो वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में नहीं, एक वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको अगर लेनी हो तो। चलिए तो चलते हैं भाई लोग अपने गांव की तरफ, और रास्ता देख लो कितना घटिया, इनक्रेडिबल इंडिया, रोड काट दी है मगर बनाई नहीं गई इनसे अभी तक, पूरी कच्ची रोड, पूरी की पूरी कच्ची। चल हैप्पी बंद कर दे। हाँ तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, अभी तक रोड टूटी है और ये हमेशा टूटी रहेगी, पता नहीं कब तक टूटी रहेगी, ये सरकारी ऐसी है, अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, ये फैमिली भी देखती है तो मैं ज़्यादा गालियाँ नहीं दे सकता, मगर दिल से बहुत बुरा लगता है दोस्तों जब ऐसी हालत देखते हैं ना अपने स्टेट की, तो बुरा लगता है। कोई बात नहीं, तभी तो लोग ऊपर आ गए यहाँ से, ज़्यादातर गाँव खाली हो गए और लोग रोडों की तरफ आ गए हैं धीरे धीरे करके, ताकि वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, ना तो इतनी ऊपर तक पैदल पैदल आना पड़ता था लोगों को, आटा वाटा लेने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, सब कुछ हर चीज़ के लिए, इतने ऊपर तक लोगों को चढ़ाई चढ़ के 4-5 किलोमीटर लोग आजकल के लोग। कच्चा रास्ता हमारा गांव को आते हुए कहाँ से है हैप्पी? उधर की साइड से है शायद,
हाँ उस पल्ली छोर से इतनी दूर से हम रोज अप डाउन करते थे जब ये रोड नहीं बनी हुई थी। लोग तो ट्रैकिंग करते हैं, हम रोज की ट्रैकिंग थी हमारी पहले। मज़ा आता है यार यहाँ पे जब भी आते हैं अपने। अब मेन गांव में जा रहे हैं हम, है ना? दिखाओ, सारे पहाड़ काट दिए इन्होंने। मगर काटने का फायदा क्या हुआ जब रोड ही नहीं बनाई इन्होंने। ये नीचे से भी जा रही है क्या हैप्पी रोड? वो नीचे को ही जा रही है। तो यहाँ पे पूरे उत्तराखंड के 155 गांवों में से लोग आएंगे, 1 करोड़ या लाखों लोग आएंगे यहाँ पे आज पुजई में। तो क्या होता था हैप्पी यहाँ पे, कैसे है यहाँ पे पुजई का क्या सीन है, क्या बता रहा था तू अभी? और ये उत्तराखंड में कहीं पे भी हो सकती थी पुजई, मगर किस्मत से आज इस बार हमारे गांव के पास ही हो गई, तो तभी हम आ गए हैं। जितने भी कुकलियाल होंगे सारे आएंगे पूरे इंडिया के, और कुकलियाल रावत सारे के सारे यहाँ आएंगे, और पूरे उत्तराखंड से, पूरे इंडिया से। और पास में ही है चुरगढ़, वहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई है, तो हम अटेंड कर रहे हैं। सारे गांव के लोग मिलेंगे वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। अपने गांव में देखते हैं पहले क्या चल रहा है माहौल। इस टाइम पे फ्री में खाना खिलाते हैं सबको, जितने लोग मिलते हैं उतने लोगों को खाना खिलाते हैं इनके घरों में, सबको फ्री में खाना बुला बुला के ज़बरदस्ती। कल हमने भी खाया था, वीडियो में दिखा दिया मैंने। ये रोड बहुत खतरनाक है यार गाँव की, दिमाग खराब हो गया चला चला। पता नहीं कब बनेगी, पहाड़ काट दिए, सब काट दिए, मगर रोड नहीं बना रहे। ऐसी तो गवर्नमेंट है हमारी, सही बना रहा है, पूरा रास्ता खराब है। ये जो आप देख रहे हो ये सारे पंडितों के गांव है, ये ऊपर की साइड, ये भी जाएंगे सारे पुजई में ही। ये सारे पंडितों के गांव है, दिखाओ जूम करके दिखाओ हैप्पी, आज सब कुछ दिखा दो व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को अपने, कि नैनी डांडा कैसी जगह है और कैसी धुआं कोट है, कैसा हमारा ये है। हमने मैगी खाने के बाद सीधा यहाँ को निकल गए गांव को, बहुत पेट में यार छाती में अजीब सा हो रहा है, कल रात को ज़्यादा ही पार्टी कर ली हमने। ओके पहुँच गए क्या गाँव? पहुँच गए सर। वीडियोस, वाओ वाओ वाओ, ये कौन सा गांव है बंड हैप्पी? ये ऊपर जो निकला है ये वाला हमारा गांव है, जूम करके दिखाओ हैप्पी। वो आ गए अपने गांव पे, वो नीले नीले रंग के दिख रहे, जूम करके दिखाओ क्या चल रहा है वहां पे। वहां दिखाइए जूम करके, क्या ही दिखा रहा तू, पेड़ पौधे दिखा रहा है, ले रोक लेता हूँ मैं दोनों हाथ से पकड़। हाँ वो देख सकते हैं हम, वो हमारा गांव है अदौड़ा, तल्ला दौड़ा ऊपर है, मल्ला दौड़ा ये है, और उधर शीला है, इसकी नानी का घर है हैप्पी का, शीला जो हमारे पुस्तैनी बिष्ट हैं वो सारे शीला के थे। थोड़ा सा आगे जाके ही शीला पड़ जाता है। और ये रोड कब पता नहीं कब ठीक होगी। ये क्या बना दिया रास्ते में? कूड़ादान। ओहो ये तो बढ़िया चीज़ है, मगर हैप्पी तू तो रोड पे फेंक देता कूड़ा, कूड़ा कूड़ा हेतु ही डाले। अभी हमने मामा औरों को बताया नहीं है कि हम आ रहे हैं, और अब हम पहुंचने वाले वहां पे। ये रोड चढ़ाई, खतरनाक चढ़ाई, और नीचे खाई है बगल में, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ और नीचे गए तो। मगर हम खतरों के खिलाड़ी हैं, हम नहीं हार मानते। दिखिए जरा उधर को,
ये होता है ऑफ रोडिंग मेन पहाड़ों में। हमारे गांव में ही ऑफ रोडिंग है यार, गांव पहुंचते पहुंचते ही हर तरफ ये पहुंचने वाले। बस वो रह गया थोड़ा पास में, पहले यहाँ तक हम पानी भरने आते थे इतनी दूर गांव में, जब पानी नहीं आता था रोलों में जाते थे पानी भरने के लिए। घास काटने नीचे हमारा वो भी हो दिखेगा ना एप्पी, यहाँ से गौशाला वो नीचे की साइड। थोड़ा मैं ओ भाई आराम से आराम से आराम से कहाँ खड़ी कर रही थी, देखो कितनी गाड़ियाँ आ रही है हमारे, ये खड़ी भी हमारी गाड़ी, बहुत गाड़ियाँ लगी हुई है गाइस ये देख लो। दादाजी सब आ रहे हैं, ये देखिए गाड़ियों पे गाड़ियाँ लगी हुई है सब तैयारी कर। ये हमारा घर यहीं लगा देते हैं ना। और यहाँ आपके मामा गुस्सा दे क्या हुआ ऐसी क्या हो गया मेरा पता सत्य तेरी करामत सी सब मेरी इसकी थोड़ी है खुद आ गया है? इसकी थोड़ी है, पहले गाड़ी की चाबी लेके चले गया था नीचे पड़ा है सबका। और नानी और नीचे खड़े हुए